विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। पॉन्स के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो लेक्चर है हमारा, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, तो आइडेंटिफाई दी रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन दी पॉन्स। पॉन्स में रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पे है वो हम देखेंगे। आइडेंटिफाई द एक्शंस ऑफ द सुपीरियर ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियर ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, क्या काम है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। ये जो फिगर है आप देखिए ध्यान से, पूरा फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। पॉन्स जो है पूरा ब्रेन स्टेम, देखिए आप पूरा ब्रेन स्टेम हम देख रहे हैं, और ये जो व्यू है पोस्टेरियर लेटरल व्यू में हम ब्रेन स्टेम को देख रहे हैं। देखिए पोस्टेरियर लेटरल व्यू, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है पॉन्स, ठीक है, सारे नाम यहाँ पे भी आप देखिए, ये जो है पॉन्स, ये भी पोस्टीरियर व्यू और ये मीडियन सेजाइटल सेक्शन। इसमें आप देखिए यहाँ पे हमको ये जो है पॉन्स, ये जो फिगर है इसमें आप देखिए ये पॉन्स हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, देखिए लिखा है नीचे क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, तो अभी से क्रेनियल नर्व के बारे में भी, उनके बारे में भी आप देखना चालू करिए, नाम हैं वो सारे। इस लेक्चर में तो बात नहीं कर रहे हम, बाद में बात करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में, लेकिन फिर भी आप अभी से इनको देखिए, इनके नाम पढ़िए। चलिए इसमें भी पॉन्स आप देख लीजिए, पॉन्स, ठीक है, पॉन्स अलग अलग एंगल से अलग अलग फिगर में हम देख रहे हैं, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हमको पता चल जाए पॉन्स का। देखिए ये इंफीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन में पॉन्स देखा हमने। चलिए तो यहाँ पे भी देख लीजिए ये फाइनल, अभी फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है पॉन्स, ठीक है, तो पॉन्स जो है, अब शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर का, पहला जो पॉइंट आ रहा है देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है पॉन्स नहीं कहना है इसको, पॉन्स है ना, पॉन्स इसका करना है हमको, और पॉन्स जो है, पॉन्स का मतलब क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज यानी पुल है ना, ब्रिज यानी यहाँ पुल का मतलब नहीं, जो ब्रिज वाला वो ब्रिज का मतलब नहीं, ब्रिज यानी क्या, जोड़ने वाली है ना, जोड़ने वाला ब्रेन का पार्ट है ना, अलग अलग हिस्सों को ब्रेन के अलग अलग विस्तार को जोड़ता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको पॉन्स कहते हैं। तो ये क्या है, बल्जिंग रीजन ऑन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ दी ब्रेन स्टेम, यानी आप देखेंगे जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम क्या होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मडला, अबलंगडा, तो ब्रेन स्टेम में जो एंटीरियर पार्ट यानी आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ये उभरा हुआ है ना, बल्जिंग का मतलब क्या, उभर उभर के आया है ना बाहर की ओर, उभरा हुआ विस्तार है, दैट फॉर्म्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द मेसेन सेफेलोन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉन्स है उसका निर्माण किस में से होता है, फ्रॉम पार्ट ऑफ द मेसेन सेफेलोन। अच्छा मेसेन सेफेलोन क्या है, देखिए तो ये मेसेन सेफेलोन जो है तो वो है, इज़ दी एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का एम्ब्रियोनिक पार्ट है मेसेन सेफेलोन, और आगे जाके जब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें इसका डिफरेंशिएशन किस में होता है, डिफरेंशिएट इनटू पॉन्स एंड दी सेरेबेलम, वही आगे जाके।
तो मेसेंसेफलन जो है ना, क्या है, हाइंड ब्रेन का एम्ब्रियोनिक पार्ट, और फिर आगे डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसका ही डिफरेंशिएशन किस में होता है, उसमें से ही क्या बनता है, पॉन्स और सेरेबेलम। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये जो नाम लिखा है सेरेबेलम, और यहाँ पे पॉन्स, तो इन दोनों का, ठीक है, जो निर्माण है वो किस में से हुआ है, मेसेंसेफलोन में से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट है हमारा। दूसरा जो पॉइंट है उस पे जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए। अब पॉन्स में, ये यहाँ पे भी आप देखिए, पॉन्स आप देख रहे हैं, और ये पॉन्स में होता क्या है, तो ये देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो है, ये पूरा सेरेब्रम दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा। और यहाँ पे आपको पता ही है, नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमारे ब्रेन का जो ऊपरी हिस्सा है, सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या हम बात कर रहे हैं, कि सेंसरी और मोटर ट्रैक्स, है ना। सेंसरी यानी जो संवेदना को लेके जाती है, और मोटर जो आदेश जो होता है, ठीक है, उसको, उसका प्रोपोगेशन करते हैं, है ना। तो सेंसरी और मोटर जो ट्रैक्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो पॉन्स में से पास ऑन होते हैं। और ये जो ट्रैक्स हैं, सेंसरी और मोटर, ये क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं। तो आप ये फिगर जो है, इसमें हम देखेंगे कि देखिए यहाँ से आप ये वाला आप देखिए, जैसे ये बीच में, चलो ये बीच में पॉन्स हो गया, ठीक है, और यहाँ से जो ट्रैक है, तो ब्रेन में से ट्रैक पॉन्स में होता हुआ कहाँ जाएगा, पॉन्स में से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में से होता हुआ वो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में से होता हुआ ये ऊपर जो सेरेब्रम है वहाँ पे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉन्स में होता क्या है, क्या होता है पॉन्स में से, तो सेंसरी और जो मोटर ट्रैक है वो जो है वो पास ऑन होती है पॉन्स में से, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पॉइंट है उस पे आते हैं। देखिए इसके अलावा तीसरे पॉइंट में, एडिशनली दी मिडल सेरेब्रल पेडंकल, इसके अलावा क्या होता है पॉन्स में, मिडल सेरेब्रल पेडेंकल्स आर ट्रांसवर्स एक्सोन। ट्रांसवर्स एक्सोन है मिडल सेरेब्रल पेडेंकल, वो क्या करते हैं, कनेक्ट द पॉन्स टू द सेरेब्रम। तो वो पॉन्स को सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम जो है उसके साथ में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले यहाँ पे पहले ये जो फिगर, इसमें देखिए आप कि भाई यहाँ पे पॉन्स, ठीक है, ये जो है, ये जो है विस्तार, ये पॉन्स है, और यहाँ पे हमको पता है कि भाई ये जो है ये सेरेबेलम है ना। तो इन दोनों को बीच में, इन दोनों के बीच में जो ट्रैक है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो। तो यहाँ पे भी ये जो फिगर है, मैं पूरा दिखा देता हूँ आप, ये जो फिगर है इसको बड़े ध्यान से देखिए ना, पहले ये फिगर देख लीजिए आप, सारे नाम जो हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है, ये फिगर ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो पॉन्स लिखा है और ये जो सारे नाम हैं, ये सारे नाम अच्छे से कर लीजिए, है ना। और जब मैं कहता हूँ कि सारे नाम अच्छे से करिए, उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं दो नाम निकाल देता हूँ तो फिर आप उस स्थिति में हैं कि आप वापस वो दो नाम वहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, और ये जो फिगर है ये क्या है, देखिए नीचे लिखा है कि
कि भाई पॉन्स क्रॉस सेक्शनल व्यू, पॉन्स का क्रॉस सेक्शन जो है ये लिया है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये जो पॉन्स है इसका यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो वो क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पे बताया है। तो थ्री डायमेंशन में पूरा आपको इमेजिन करना है कि किस तरह से क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो देखिए इस साइड पे जो बताया है, यहाँ पे देखिए ये नाम लिखा है, ठीक है, मिडल सेरेब्रल पेडंकल। तो ये क्या कर रहा है, इसमें है क्या, ये ट्रांसवर्स, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सोन है ये, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये ट्रांसवर्स एक्सोन, तो वही एक्सोन हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स एक्सोन, ये क्या कर रहे हैं एक्सोन, तो ये जो है ट्रांसवर्स एक्सोन वो क्या करते हैं, कनेक्ट पॉन टू दी सेरेब्रम। तो ये पॉन्स जो है वो सेरेब्रम जो है सेरेब्रम के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, ये तीसरे पॉइंट में। चलिए अब चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है, द पॉन्स हाउसेस ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, पॉन्स में क्या है ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई है, कहाँ पे, इन दी पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसमें ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई है। कहाँ है पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर का, ये जो है देखिए नाम लिखा है पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, और कहाँ पे ये सेंटर, ये रहा देखिए, ये जो है, ठीक है, ये वाला पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, इसके अंदर क्या ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर को प्रीवियसली यानी कि पहले क्या कहते थे, पहले कहते थे देखिए इसको प्नूनो नहीं बोलना, क्या बोलना है, न्यूमोटैक्सिक। पहले जो पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको क्या बोलते थे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते थे। अच्छा, और ये जो सेंटर है पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, इसका काम क्या है, दिस वाइटल सेंटर, वाइटल का मतलब काफ़ी उपयोगी महत्वपूर्ण केंद्र, क्या करता है, अलोंग विद मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके साथ मिलके, ठीक है, रेगुलेट द स्केलेटल मसल ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग सांस के साथ में है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल है, ठीक है, हमारे रिब केज में, बिटवीन द रिब्स, वो सब हमने देखे है ना, तो उन मसल्स जो हैं उनका जो कंट्रोल है उनमें ये एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं उन मसल को ब्रीदिंग के, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या याद रख रहे हैं हम, जो पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसमें ऑटोनॉमिक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियाई हैं ये मेडुलरी जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके साथ मिलके जो ब्रीदिंग के जो स्केलेटल मसल है उनका नियंत्रण करते हैं, उनका कंट्रोल करते हैं। दोनों ही फिगर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से सारे नाम जो हैं अच्छे से करना, ठीक है। चलिए अब पाँच नंबर का जो पॉइंट है उस पे आते हैं, देखिए पाँच नंबर में हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दिख रहा है, नाम लिखा है आपको सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पाँच नंबर में नहीं, तो सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियाई आर लोकेटेड इन द इंफीरियर पॉन्स, पॉन्स का जो निचला हिस्सा है उसमें है ये लोकेटेड, और हर एक जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, ये जो सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियाई है उसका काम क्या है, रिसीव्स ऑडिटरी इनपुट, ऑडिटरी यानी सुनने वाली बात है ना, जो हम सुनते हैं तो उसके जो इनपुट्स हैं वो कहाँ पे पहुँचते हैं, वो रिसीव करता है, ठीक है, एंड इन्वॉल्व इन द पाथवे फॉर साउंड लोकलाइजेशन,
यानी कि साउंड लोकलाइजेशन का मतलब कि जो आवाज़ जो आ रही है ना, जो साउंड है उसका डायरेक्शन कहाँ है, किस दिशा में से कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वो जो बात पता चलती है हमको उसके जो सेंटर सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई में होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर पे, 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें हम आते हैं। अब देखिए, अब 6 नंबर के पॉइंट में क्या है कि यहाँ पे पॉन्स जो है, पॉन्स में पॉन्स ऑल्सो हाउसेस सेंसरी एंड मोटर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। पॉन्स में क्या होते हैं, सेंसरी एंड मोटर जो मस्तिष्क चेतना हैं उनके रिलेटेड न्यूक्लियाई भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्राइजेमाइनल, एब्डुसन्स, फेशियल, क्रेनियल नर्व्स, है ना। तो देखिए आप क्रेनियल नर्व के नंबर लिखे हैं यहाँ, 5 नंबर की क्रेनियल नर्व, 6 नंबर की, फिर 7 नंबर की, है ना। ये सब जो नर्व हैं पोन से रिलेटेड हैं, और जो न्यूक्लियाई जो हैं तो ये जो न्यूक्लियाई वगैरह हैं उनके भी नाम, फिर 8 नंबर, है ना। तो हम याद रख रहे हैं 5, 6, 7 और 8 जिनके नाम। ठीक है, और जो न्यूक्लियाई हैं वो देखिए, ये इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिगर में आप देखेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। मैं फिगर जो है वो दिखा देता हूँ। देखिए पूरा फिगर जो है, देखिए यहाँ पे ए मैं बड़ा कर देता हूँ आपको, ये क्या फिगर है। तो देखिए लिखा है क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई इन ब्रेन स्टेम स्कीमा। ठीक है, तो पूरा जो ब्रेन स्टेम है उसमें जो क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई हैं, और क्रेनियल नर्व भी आपको देखने मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट में पॉन्स के जो रिलेटेड हैं, पॉन्स के रिलेटेड जो न्यूक्लियाई हैं और पॉन्स के रिलेटेड जो नर्व हैं क्रेनियल, उसके ही बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पॉन्स के रिलेटेड जो न्यूक्लियाई हैं उसके आप नाम देखिए, देखिए देखिए ये जो है मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो वो देखिए आप ये वाला, है ना। अच्छा फिर ये देखिए वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, तो ये आप देखिए वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। उसके बाद ये देखिए अब्डुसन्स न्यूक्लियस, फेशियल न्यूक्लियस, देखिए उसका पोजीशन, सारे जो न्यूक्लियाई हैं अच्छा उनके पोजीशन, और जो नर्व्स हैं अब, है ना। तो देखिए न्यूक्लियाई से रिलेटेड जो नर्व हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्राइजेमिनल नर्व, है ना, नंबर 5, क्रेनियल नर्व 5। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लिखा है, फेशियल नर्व, ठीक है, 7 नंबर, है ना। गैंग्लियन वगैरह की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो नर्व पे हम फोकस कर रहे हैं। फिर वेस्टिबुलो कॉलियर नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व 8, है ना, उसका पोजीशन देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे पॉन्स में हम यही कर रहे हैं कि पॉन्स में जो न्यूक्लियाई हैं, देखिए यहाँ पे जो नर्व है ट्राइजेमिनल 5 नंबर की, क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो पूरा जो फिगर है इसमें मैंने जो नाम सर्कल किए हैं वो न्यूक्लियस के हैं पॉन्स में, और न्यूक्लियस से रिलेटेड जो नर्व्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। और थियरी के लिए ये पॉइंट है 6 नंबर का, ठीक है। इस तरह से पूरा फिगर ध्यान से चलिए। यहाँ पे भी ये भी देखिए आप, ये क्या है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई इन ब्रेन स्टेम स्कीमा कंटिन्यूड। तो इसमें भी देखिए जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई के नाम आप याद रख लीजिए, ठीक
ठीक है, एब्डुसन न्यूक्लियस हो गया, फेशियल न्यूक्लियस हो गया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे तो ये जो है प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और फिर वो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो नर्व्स हैं उनके भी नाम ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो आप न्यूक्लियस देखिए, नर्व देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए फेशियल नर्व है ना, पेनियल नर्व 7, फिर वेस्टिबुलर कॉलियर नर्व, एब्डुसन्स नर्व। ठीक है, अब थियरी के जो पॉइंट थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ और जो फिगर हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पॉन्स के बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए ये जो है, इसमें ये जो फिगर है पहले भी हम देख चुके हैं, ब्रेन स्टेम में आप देखिए है ना, ग्रीन कलर यूज़ किया है पॉन्स के लिए, लाइट ग्रीन यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये पॉन्स दिखा रहा है हमको, इस तरह से। ठीक है, पॉन्स देखें आप बीच में, इसमें भी पॉन्स, ठीक है, फिर ये बीच वाला जो है, बीच वाला यहाँ देखिए, ये पॉन्स का अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन में ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया है, और इसका नाम हटा के आपको लेबलिंग करना है। ठीक है, दो नाम मैं निकाल देता हूँ और आपको लेबलिंग करना होगा। ठीक है, नाम मैं दो हटा देता हूँ और आपको वो नाम मैं पूछूँगा तो आपको वो नाम आने चाहिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन है पॉन्स का। चलिए, फिर यहाँ पे भी आप देखिए जो ब्रेन स्टेम जो है उसमें जो पॉन्स और उसका ये वाला जो है, ये फिगर जो है, ये क्रॉस सेक्शन, तो ये सारे नाम भी आपको अच्छे से करने हैं। पूरा फिगर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे, ठीक है, पॉन्स देख लीजिए इसमें। सेरेब्रल पेडंकल है ना उनका लोकेशन। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है जो पॉन्स के ऊपर था, ये लेक्चर अब यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।